दोस्तों, हिज हॉलीनेस दलाई लामा जी के बारे में हमने बहुत सारी बातें की हैं। हमने देखा है कि किस तरह से जो है उनको डिफेम किया गया एक छोटे से क्लिप को लेकर के, और इसमें हमने कई बार जो है ये डिमांड किया, हमने ये कहा कि भाई जो एनडीटीवी है उसको बाहर निकल करके आना चाहिए, हमने ये कहा कि कंगना रनौत को निकल करके बाहर आना चाहिए और माफी मांगना चाहिए, और कंगना रनौत जो है वो ऑलरेडी माफी मांग चुकी है, और अब जो है भाई वो एनडीटीवी का भी जो है माफीनामा जो है ना भाई वो हमारे सामने निकल करके आ गया है और एनडीटीवी वालों ने भी माफी मांग लिया है। तो क्या है सारी बात, मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। हेलो, हाय, नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त दिलीप शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एडीज एम्पायर में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि भाई अगर आप चाहते हो मुझसे बातें करना, कोई इंफॉर्मेशन शेयर करना, तो आप इंस्टाग्राम में शेयर कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और साथ साथ भाई अगर आप व्लॉग्स में इंटरेस्टेड हो, अगर आप मेरे व्लॉग्स देखना चाहते हो, तो आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने अपने पिछले कई सारे वीडियोस में आपको हिज हॉलीनेस दलाई लामा जी के बारे में बताया कि किस तरह से जो है उनके जो है छवि को खराब करने की कोशिश की गई, किस तरह से एक छोटे से क्लिप को वायरल किया गया और उसे न्यूज चैनल्स वगैरह में चलाया गया, और हिज हॉलीनेस दलाई लामा जी की जो रेपुटेशन है, जो रेस्पेक्ट है, जो उनको प्यार जो लोग करते हैं उसमें तो कमी कोई भी नहीं आई, लेकिन वो जो उनको प्यार करने वाले लोग हैं उनके दिलों को बहुत ज्यादा चोट पहुंचा उस घटना के बाद। और भाई सारे लोग ये डिमांड कर रहे थे कि भाई अब तो जो है ना इन मीडिया चैनल्स को जो है जिसने भी ये काम किया है, जिसने भी ये शुरुआत किया है, उसको माफी मांग लेना चाहिए। और लोग जो है ना भाई इसी कड़ी में एनडीटीवी के ऑफिस के आगे भी पहुंच गए थे, और इस बारे में मैंने आपको पहले ही अपने वीडियोस में बताया था, वहां पर मैंने क्लिप भी दिखाया था जिसमें वो एनडीटीवी के लोगों से बात करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी भाई एक जो है ना एक इंटरेस्टिंग सी बात हमें पता चली है कि भाई अब जो है ना एनडीटीवी ने माफी मांग लिया है। जी हां दोस्तों, एनडीटीवी ने माफी मांगा। और दोस्तों एनडीटीवी की एडिटोरियल डायरेक्टर जो है सोनिया सिंह, उनके साथ जो है टीवाईसी की मीटिंग होती है, और उस मीटिंग के बाद में हमें ये पता चलता है कि जो एनडीटीवी है उन्होंने इसके लिए माफी मांग लिया है, और ये भी बताया है कि साथ साथ वो जो है ना इंक्वायरी करेंगे। ये आप स्क्रीनशॉट देखिए, और जब अगर आपको पूरा पढ़ना है कि क्या है बात, तो आप जो वीडियो है उसको पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। तो वो बता रहे हैं कि वो जो है वो इस मामले की जांच भी करेंगे और इसमें जो भी एक्शन लेना है वो लेंगे। उसके साथ साथ वो ये भी बता रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम से जब भी कभी हिज हॉलीनेस दलाई लामा जी के बारे में कुछ भी अगर उन्हें बताना है, कुछ पब्लिश करना है, तो उसके लिए जो है वो पहले उनको बताएंगे, जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है देश के अंदर में उनसे पूछेंगे, उसके बाद ही वो कुछ आगे करेंगे, इस तरीके की बात उन्होंने बताई है। और बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है कि एनडीटीवी भी जो है वो आगे निकल करके आया है और अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हुए वो माफी मांग रहा है हिज हॉलीनेस दलाई लामा जी से। और मैं भी ये दुआ करता हूं कि जॉलीनेस दलाई लामा जी का आशीर्वाद उनके ऊपर बना रहे, हमेशा उनको आगे लेकर के जाए, और उनका चैनल जो कि बहुत ही ज्यादा तकलीफ में था कुछ सालों पहले तक, भाई कुछ महीने पहले तक, तो वो चैनल जो है वो ग्रो करके आगे निकल करके आ जाए, ये दुआ करता हूं और प्रे करता हूं ही जॉलीनेस दलाई लामा जी का आशीर्वाद जो है वो उनको लग जाए भाई। तो यही सारी बातें थी जो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं, तो ये वीडियो बनाया गया। कैसा लगा जरूर बताइएगा। अभी चलता हूं, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।